वेलकम ऑन सीरीज पीस। या हाय, थैंक यू। एंड कैसा लग रहा है टॉप फाइव में आके? लोगों ने तो काफ़ी बातें बनाई, मतलब ये सवाल बार बार आ रहा होगा आपके पास, बट जो फैक्ट है कि लोगों को कहीं ना कहीं हजम नहीं हुआ था, कुछ लोगों को जो उनको जवाब दिया आपने, क्या बोला? जी, जो लोग थे नहीं वहाँ पे तो उनको तो हजम बिल्कुल नहीं हो रहा था, लोगों के मुंह पे तमाचा मारा मैंने टॉप फाइव में आके। और जिस शो में मैं थी वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नॉमिनेट कर सकते हो जो आपको पसंद नहीं है, जो डिजर्विंग नहीं है। जैसे कि हमारा शो का फॉर्मेट है, वहाँ पे हफ्ते में दो बार होता था, तो उस टाइम पे तुम लोग कहाँ थे? तुम्हें डिजर्विंग उस टाइम क्यों नहीं नजर आई? अचानक से तुम्हें लग रहा था कि मैं टॉप फाइव में नहीं होनी चाहिए, उस टाइम कर देते। उस टाइम तो तुमने किया नहीं, और जब मैं टॉप फाइव में पहुँच गई तब तुम लोग बोल रहे हो कि ये डिजर्विंग नहीं है, तो साफ दिख रहा था कि देवर जेलस ऑफ मी। करेक्ट। सो स्टेज पे आपने देखा अरमान ने भी आपसे बहुत अच्छे से बात करी जब आप बाहर आए मिले, और तो कैसा फीलिंग हुआ? जो डाउट था आपके मन में उन दोनों के लिए कि भाई जो लोग बातें कर रहे हैं वो बातें झूठी है, क्योंकि जो आपका वेलकम किया उन्होंने बहुत अच्छे से किया, राइट? मेरा पहला सवाल यही था पहुँच घर बाहर निकलते ही, सबसे पहले ये था पायल तू ठीक है? पायल ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मैंने कहा बाकी बातें बाद में, बस वो ठीक है तो भाई मैं खुश हूँ। क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी जब मैं मीडिया आई थी, कि मैं कि पायल ठीक है, क्या क्या चल रहा है बाहर, कहीं मेरी फैमिली कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है, तो बस इन सब सवालों का जवाब मिल गया मुझे। एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी पर्सनली, इतना लोगों ने आपकी रिलेशन को लेके इतनी बातें बनाई, इतना कॉन्ट्रोवर्सी हुई, कैसे आपने इतना आपको अपने आप को काम रखा? मैं मीडिया राउंड में देख रहा था, मतलब आप पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन अरमान पे, तो कैसे अपने आप को इतना काम और कूल रखते हैं आप? बस मैं यही बात बोलना भी चाहूँगी कि देखो हम सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप लोग दो शादी करो, हमेशा बोलूँगी कभी मत करो। और देखो अगर मेरी जगह कोई और भी होता जिसने ऐसा की दो शादी का होता, तो उससे भी यही क्वेश्चन पूछे जाते। और ठीक है सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने चीज़ें बहुत सारी देखी है, अलग भी हुए, फिर अलग होने के बाद दोबारा भी साथ हुए, तो बस अभी यही है कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे और जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं उनका जवाब देते रहेंगे। विशाल के साथ जो बात हुई, विशाल के ऊपर जो बातें हो रही हैं, आप क्या बोलना चाहेंगी मतलब इस टॉपिक के ऊपर? क्योंकि एक तरफ लड़के के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, मतलब ये चीज़ के वो मतलब उसने ये आपको कमेंट्स मारे हैं, जो भी करे, क्या बोलना? देखो कमेंट मारना गलत नहीं है, आप किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करना गलत नहीं है, मैं ये मानती हूँ। उस शो में उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, मेरे को उस चीज़ से गलत नहीं लगा, पर जब लवकी से पूछा गया क्या तेरा दोस्त ठीक था, उसने कन्फ्रंट किया कि मेरा दोस्त गलत था, जब और उसने बोला भाई अगर तेरी जगह मैं भी होता ना मारता थप्पड़, बोला उसने शो में। तो जब उसने ये बात बोली तब मेरा जो प्रसिप्शन है विशाल के लिए चेंज हुआ, मेरी जगह आई थिंक कोई और लड़की भी होती उसका भी चेंज होता, तो उसका शो में होना ना होना एक ही बात है, और अभी भी मेरे लिए मैं यही फील करती हूँ सेम। शिवानी के लिए क्या बोलेंगे? इतना मुद्दा उठाया उन्होंने आपके सवाल का। शिवानी आई डोंट वांट टू सी हर, बहुत ही बड़ी दोगली लड़की है वो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ज़िंदगी में उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ, ना आज ना अभी ना कभी। कोई बोलेगा भी ना कि आपको उसको उसको जाना है, जिस शो में वो आएगी उस शो में तक नहीं जाना चाहती मैं। चलिए थैंक यू हमसे बात करने के लिए।